जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतना ग्राम प्रोटीन हर रोज। ये एड तो आपने सुना ही होगा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोटीन रिच मसाला सैंडविच, वो भी बिना ब्रेड के। बाहर से इतना क्रिस्पी करारा और अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी, तो इसे आप ब्रेड की जैसे भी खा सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन हिट कर दें। तो अगर सुबह नाश्ते के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं, तो एक रात पहले एक कप मूंग दाल और आधा कप मूंग छिलके वाली दाल को मिक्स करके अच्छे से वॉश करके भिगो दें। नेक्स्ट डे सुबह दाल कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो अब करना कुछ भी नहीं है, मिक्सर लेना है और उसमें डाल देंगे ये दाल, साथ ही दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा। बहुत ही कम पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का यूज करके एक थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लिया है। अब इस बैटर को डाल देंगे एक बोल के अंदर और फिर एक विस्क की हेल्प से इसे अच्छे से बीट कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि हमारा जो ब्रेड का जो टेक्सचर हो वो अंदर से सॉफ्ट हो और हमारी जो ब्रेड है वो फ्लफी भी बने और क्रिस्पी भी हो और कुरकुरी भी हो, बिल्कुल ब्रेड के जैसी। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटा हुआ पालक, इसे फाइबर रिच बनाने के लिए। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ले सकते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। फिर जस्ट बनाने से पहले हम डालेंगे आधा टीस्पून इनो और 1 टेबलस्पून सूजी। सूजी इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप सूजी थोड़ा ज़्यादा डालकर उसकी कंसिस्टेंसी को थिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, नहीं तो बनाने जाएंगे ब्रेड और बन जाएगा इसका डोसा। और मिक्स करने के बाद हम अपने तवे को गर्म करके रेडी रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है, मेरे पास एक छोटा सा तवा है जिसमें मैं सैंडविचेस बनाती हूँ ग्रिल्ड वाले। तो यहाँ पर तवे को कर दूंगी ग्रीस ऑयल से, स्प्रिंकल करूंगी थोड़े से तिल और जैसे ही तिल स्प्लटर हो जाए 1 टेबलस्पून बैटर को लेके इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल ब्रेड की शेप ले ले। अब इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगी। इसे बीच में हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो ये बीच में से ब्रेक हो सकती है। अब 3 मिनट के बाद फिर से तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी और इसे फ्लिप कर दूंगी। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। तो हमारी क्रिस्पी करारी और गोल्डन कलर मूंग दाल टोस्ट बिना ब्रेड के रेडी है। यहाँ मैंने इस बैटर से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मूंग दाल ब्रेड टोस्ट बना लिए। तो अगर आप चाहें तो इसे चटनी या सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और अगर शाम का नाश्ता बनाना है तो इसके लिए एक टेस्टी सी पनीर की फिलिंग बनाते हैं। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे ग्रेटेड पनीर, साथ ही सॉटे किया हुआ अनियंस, फाइनली चॉप्ड हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सभी को मिक्स कर देंगे। फिर ले लेंगे हमारी मूंग दाल ब्रेड, इस पे लगाएंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी हरी चटनी, खूब सारी पनीर की फिलिंग और दूसरी ब्रेड पे भी थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी हरी चटनी और इसे कवर कर देंगे। अब तवे को करेंगे बटर से ग्रीस, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और इस सैंडविच को दोनों साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि हमारा शाम का नाश्ता भी क्रिस्पी, क्रंची और प्रोटीन से फुलफिल हो। तो है ना ये 2-in-1 रेसिपी। इंजॉय करिए ये गर्मा गर्म बिना ब्रेड का मसाला सैंडविच। तो प्रोटीन को जरूर से अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपको शुगर क्रेविंग्स ना हो, वेट लॉस में भी हेल्पफुल हो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।